बंदी असतानाही चायनीज मांजाची संक्रांतीच्या मुहूर्तावर जोरात विक्री झाली, याचा फटका वाहनधारकांना बसला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. चायनीज मांजाच्या खरेदी विक्रीवर बंदी घालण्यात आली असतानाही शहरात सदरील मांजा मोठ्या प्रमाणात विक्री करण्यात आला, यामुळे अनेक जण जखमी झाले आहेत आणि संबंधित प्रशासनाच्या कारकिर्दीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. रोहिला गल्ली येथील रहिवासी जलालुद्दीन खान सुद्धा काल सायंकाळी चायनीज मांजामुळे जखमी झाले. त्यांनी एमसीएनशी बोलताना सांगितलं की काल सायंकाळी ते आपल्या ऍक्टिवावरून बजरंग चौक ते आझाद चौकाकडे जात असताना चायनीज मांजामुळे त्यांच्या मान तसंच पायावर गंभीर जखम झाली. यामुळे ते गाडीवरून खाली पडले आणि त्यांच्या ऍक्टिवा गाडीचं पण नुकसान झालं. प्रशासनानं चायनीज मांजा विकणाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. बजरंग चौक और आजाद चौक के बीच में वहाँ पर जो है तो एकदम मांजा मेरे गर्दन पे आया, तो गर्दन पे से उसको मैं हटाने के लिए गया तो थोड़ा सा ऊपर होते ही ये फिर भी ये मेरा इतना हिस्सा कट गया, वरना मेरा ये कट जाता था. उसको ऊपर लिया और उसी चक्कर में मेरे गाड़ी गिर गई और उसमें जो तो मेरी पूरी गाड़ी टूट गई और एक्सीडेंट हो गया. और ये मांजा जो मैंने हाथ इससे निकाला तो वो पैरों में आके अटका, ये पैर भी उससे जो तो कट गया हुआ है पूरा, और ये भी ये गला का तो अभी भी ये निशान है यहाँ पे. और ये जो हाथ है ये हाथ के अंदर पहले तो मैं तोड़ने के लिए गया, मगर वो ये चाइना का जो ऐसी चीज है कि ये ना टूटती ना करती, इससे हमारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है. ये चाइना के जो है ये हाथ पे पूरा कट के गया वो, और ये कोनी पे भी इसका जो ना घसड़ा पूरा लगा हुआ है इसका, ये यहाँ से ये मान यहाँ से गया हुआ है सब पूरा. अभी ये है कि ये जो मांझे है ये सब जगह से ये बंद होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है, मगर वो लोग जो है तो इतने नज़दीक नहीं पहुँचे. हम एमसीएन के पास आए हैं उनको बताने के लिए, वरना वो लोग तो आते नहीं है. कई लोगों को मेरे आंखों के सामने हुआ और वो लोग बेचारे इतने तक पहुँचते नहीं है और ना ही सरकार की तरफ इसकी कोई बात जाती है, तो लिहाजा इसको जो है तो बंद कर देना चाहिए. चाइना का जितना भी चीज है ये पूरा बंद हो जाना चाहिए हमारे पास ये.